तो हम लोगों ने ट्रेन में कभी ना कभी तो सफ़र ज़रूर किया है, और हम लोगों ने ऐसे भी लोगों को ट्रेन में देखा है जो कभी कभी बहुत ऊंची आवाज़ में ट्रेन के कंपार्टमेंट में बात करते हैं या बहुत मोबाइल से लाउडली सॉन्ग बजाते हैं, जिससे हम लोगों को डिस्टर्बेंस तो होती ही होती है पर हम लोग उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। और कई बार तो अक्सर यात्री शिकायत भी करते हैं कि उनके कोच में एक साथ सफ़र करने वाले लोग फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं या देर रात तक गाने सुनते हैं, जिससे उन यात्रियों को शिकायत भी होती है। और उनकी ये भी शिकायत रहती है कि रेलवे के स्कॉट या मैनेजमेंट के जो स्टाफ होते हैं वो भी तेज तेज आवाज़ में बात करते हैं, और कई यात्री तो हद ही कर देते हैं, वो रात के 10 बजे के बाद भी लाइट जलाते हैं, जिनसे उन लोगों की नींद में खलल पड़ता है जिनको सोना होता है टाइम से। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए रेलवे ने अब अपने नियम में बदलाव किया है। तो अगर आप अब ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं तो आपको ज़रूरी है कि इन नियमों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल देती है। दरअसल भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। ये आमतौर पर ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। रेलवे की ओर से हाल ही में किया गया बदलाव रात के सफ़र के बारे में है, तो आइए जान लेते हैं कि आखिरकार रेलवे ने क्या क्या बदलाव किए हैं अपनी शर्तों में, अपने नियमों में। रेलवे के नए नियमों के मुताबिक अब आपकी सीट, कंपार्टमेंट या कोच में कोई भी यात्री तेज आवाज़ में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है और ना ही तेज आवाज़ में गाने सुन सकता है। दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि यात्रियों की नींद में खलल ना पड़े और वो यात्रा के दौरान चैन की नींद सो सके। जान लेते हैं कि वो नियम कैसे अप्लाई होते हैं। जैसे कि रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि अगर आप ट्रेन में सफ़र के दौरान रात के 10 बजे के बाद मोबाइल में तेज़ी से बात कर रहे हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक रात की यात्रा के दौरान यात्री ना तो तेज़ आवाज़ में बात कर सकते हैं और ना ही वो संगीत सुन सकते हैं। यदि यात्री शिकायत करता है तो उसको वहाँ के मौजूदा स्टाफ के द्वारा उस पे कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक कि उसका टिकट भी हैंड टू हैंड निरस्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि आगे जब आप ट्रेन में सफ़र करें तो आप ज़रूर इस बात को ध्यान में रखें कि आपको रात के 10 बजे के बाद लाइट ऑन नहीं करनी है। अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो अपने हेडफोन का इस्तेमाल करिए, ना कि अपने मोबाइल को लाउड स्पीड में बजाकर औरों को भी डिस्टर्ब करिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।